नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। शिक्षा विभाग के मंत्री और उसी विभाग के अपर मुख्य सचिव के बीच तनातनी की खबरें आप देख सुन रहे होंगे। कभी आपने सोचा है कि मंत्री और उस विभाग के सचिव के बीच तनातनी की खबरें अक्सर जुलाई में ही क्यों होती है, जुलाई के महीने में ही क्यों सामने आती है? तो उसके पीछे की वजह है, वजह यह है कि बिहार में जून और दिसंबर में व्यापक पैमाने पर ट्रांसफर पोस्टिंग की जाती है। ये रूटीन है, जिसका 3 साल पूरा हो गया उनका ट्रांसफर करना, फिर दूसरे की पोस्टिंग करना। दिसंबर में तो कम, लेकिन जून के महीने में हर एक डिपार्टमेंट में व्यापक रूप से ट्रांसफर पोस्टिंग की जाती है। और इसी दौरान विभाग के मंत्री और सचिव के बीच तनातनी भी बढ़ जाती है। आप अगर गौर करें तो पिछले 2-3 सालों में जो इस तरह के वाकये हुए हैं वो मैं बता सकता हूँ। 2021 में बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी ने बयान दिया था और कहा था, विस्फोटक बयान दिया था और कहा था कि हमारी बात चपरासी भी नहीं सुनते। यही जुलाई का महीना था 2021 का। कहने का मतलब ये था उनका कि अफसरशाही इतनी हावी है कि हमारी बात कोई नहीं सुनता, यहाँ तक कि चपरासी भी नहीं सुनते। और ये इस बयान पर, मंत्री के इस बयान पर काफ़ी हंगामा भी हुआ था। बाद में मुख्यमंत्री के स्तर पर बीच बचाव होकर मामला शांत हो गया। पिछले साल भी 2022 में भी जब NDA की सरकार थी और एक मंत्री थे भू राजस्व मंत्री राम सूरत राय BJP के, उनके विभाग के तबादले को लेकर भी तनातनी हुई थी। और चूंकि वो बदलाव का दौर था, एक तरीके से देखें तो चीज़ें जो हैं NDA से छूटकर महागठबंधन की तरफ आ रही थी, इसलिए वो मामला ज़्यादा तूल नहीं पकड़ पाया। हालांकि राम सूरत राय ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। अब ये तीसरा मामला है जब शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव KK पाठक के बीच इस तरह की बात आ रही। देखिए, बिहार में इस साल हर एक डिपार्टमेंट, अधिकतर डिपार्टमेंट में, अधिकतर विभागों में तबादले हुए हैं, लेकिन शिक्षा विभाग में तबादले नहीं हुए। KK पाठक को शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव बने अभी महीना भर भी नहीं हुआ है। तो जो तबादलों का जो एक दौर था वो इसी में गुजर गया, कोई तबादला हुआ ही नहीं। और तबादला ना होना काफ़ी मुश्किल घड़ी होती है, खासतौर पर उस विभाग के मंत्री के लिए, क्योंकि कई तरह के दबाव होते हैं, क्षेत्र का दबाव, अपने सहयोगियों का दबाव, तो कई तरह की पैरवी उनके पास पहुंचती है ट्रांसफ़र के लिए। और ऐसे में अगर ट्रांसफ़र नहीं होता है तो जाहिर तौर पर मंत्री जो अपने आप को सर्वे सर्वा उस विभाग का मानता है अपने को, उसको कहीं ना कहीं एम्बरेसमेंट होती है। और यही कारण है कि ये चीज़ें इतनी आगे बढ़ गई। आज जो स्थिति हुई है उसके पीछे की पृष्ठभूमि यही है। हालांकि स्थिति को संभालने की कोशिश की जा रही है, बातचीत का दौर जारी है। अब पीत पत्र जारी किया गया जिस आप्त सचिव के द्वारा शिक्षा मंत्री के, उसको शिक्षा विभाग में घुसने पर पाबंदी लगा दी गई है और किसी भी प्रकार के पत्र को जारी करने न करने का निर्देश दिया गया है अपर मुख्य सचिव के द्वारा। तो इस तरह से चीज़ें आगे बढ़ती जा रही हैं, तनातनी का जो जोर है वो और तनता जा रहा है। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर अपनी बात लेकर
आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से मिले, फिर उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी हुई, उसके बाद वो जो वित्त मंत्री हैं विजय कुमार चौधरी उनसे भी उनकी मुलाकात हुई। विजय कुमार चौधरी को एक माना जाता है कि वो चीज़ों को संभालने वाले एक कह सकते हैं कि एक ऐसे मंत्री हैं जो चीज़ों को संभाल लेते हैं। हालांकि पिछली बार संतोष कुमार सुमन जो कि बिहार सरकार में मंत्री थे हम पार्टी के, उन्होंने इस्तीफा उन्हें विजय चौधरी को ही सौंपा था मिलकर। अब प्रोफेसर चंद्रशेखर जब मिलने गए उनसे तो एक बार फिर वो लोगों को के जेहन में आ गया, कहीं ये भी तो इस्तीफा देने नहीं जा रहे हैं। हालांकि विजय चौधरी ने साफ इससे इनकार किया कि ऐसी कोई बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि तबादला नहीं होना या मन मुताबिक नहीं होना ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है मंत्री और जो विभाग के सचिव हैं उनके बीच जो तनातनी होती है। ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, इसको सुलझाया जा सकता है। समस्या यहाँ पर बिहार की शिक्षा व्यवस्था है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को कैसे सुधारा जाए ये बात होनी चाहिए, न कि कौन टी शर्ट पहन कर ऑफिस आ रहा है या जीन्स पहन के आ रहा है। ये सब इन सब बातों का कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। ठीक है, अनुशासन होना चाहिए, लेकिन शिक्षा कैसे बेहतर हो, शिक्षकों की बहाली कैसे हो, कितनी सुगमता से हो, और जो बच्चे वंचित रह रहे हैं शिक्षा से उनको कैसे स्कूल तक पहुंचाया जाए, इस पर विभाग का विशेष ध्यान होना चाहिए। मेरे ख्याल में ट्रांसफ़र पोस्टिंग हर साल होते रहते हैं, इस साल नहीं हुए अगले साल हो जाएंगे, ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। और तनातनी का ये जो दौर आपको दिख रहा है ये मीडिया में भले ही काफ़ी व्यापक तौर पर दिख रहा हो, लेकिन सबको अपना अपना काम करना है तो बहुत ज़्यादा दिन तक ये चलता नहीं है। स्थितियाँ संभल जाती हैं, फिर अगले साल की तैयारी शुरू हो जाती है कि अगले साल का तबादला किसको किसको क्या करना है। अभी क्या है कि इस वाक्या से एक बात तो उभर कर सामने जरूर आई है कि आरजेडी और जेडीयू के नेताओं का जो मंतव्य है, जो बयान है, वो चिंता प्रकट इस पर किया जा सकता है। क्योंकि दोनों आपस में, जेडीयू का कहना है कि के पाठक ठीक कर रहे हैं और आरजेडी के कई नेताओं का कहना है कि सरकार परेशान करने के लिए ऐसे ऐसे आईएएस ऑफिसरों को अपने सहयोगी दलों को के विभाग में लगा देती है। इस तरह के भी आरोप लगे हैं, तो ये महागठबंधन सरकार के लिए ठीक नहीं है। इस चीज़ को जल्दी सुलझाने की ज़रूरत है ताकि हम शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने में तत्पर हो। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।